गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी की बुक और हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी की बुक में पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। तो ये हमारा पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 पे है वर्णमाला। वर्णमाला स्वर, आइए वर्णमाला दोहराएं। हमें वर्णमाला को दोहराने यानी इसे हमें रीड करना है, पढ़ना है। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी घर पे अपने बुक में इसे पढ़िएगा। आ से अनार, आ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे एक, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, अहमेश कुछ नहीं। इसके नीचे आइए, यहाँ भी लिखा है अ से लेकर ह तक, इसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पढ़िए, लिखा है अ से अनार, आ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे एक, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अहमेश कुछ नहीं। तो हम लोगों ने आ से लेकर रहा तक अभी बुक में पढ़ा है, इसे अभी हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आप हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। आपके पास हिंदी की 2 कॉपी होगी, उसमें से एक फर्स्ट टर्म की होगी और एक सेकंड टर्म की। तो पहली कॉपी, एक कोई भी 2 कॉपी से एक कॉपी लिख लीजिए और उसे फर्स्ट टर्म की कॉपी बनाइए। ये देखिए, मैंने हिंदी की कॉपी लिया, उसमें फर्स्ट पेज पे सबसे पहला पेज पे मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया है और ऊपर लिखा है फर्स्ट टर्म। मैंने एक फ्लावर ड्रॉ करके ऊपर लिखा है फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से आप कॉपी में, हिंदी की कॉपी में पहले फ्लावर ड्रॉ करेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे फर्स्ट टर्म। ये आप अपने से भी कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने मम्मी पापा की हेल्प से कॉपी में एक कोई भी फनी फेस ड्रॉ करवा लीजिएगा या जो भी आपको अच्छा लगे ड्रॉ करने में उसे ड्रॉ करवा कर फिर ऊपर लिख लीजिएगा फर्स्ट टर्म और इसे फिर क्रियॉन्स कलर से कलर कीजिएगा। फ्रंट पिक्चर ड्रॉ करने के बाद पेज ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे अ से अह तक लिखो। ये आप अपने से नहीं लिख सकते तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से कॉपी में ये लाइन मेंशन करवा लीजिएगा, अ से अह तक लिखो। और जिस दिन ये आपको वीडियो मिलेगा उस दिन जब भी लिखेंगे तो उस दिन की यहाँ पर डेट लिखिएगा और यहाँ CW ये ज़रूर लिखिएगा, उस दिन की डेट और CW। फिर अ से अह तक लिखो, ये लिखने के बाद पेंसिल लीजिएगा और से हम लोग अ से लेकर अह तक लिखेंगे। अभी हम लोग ने बुक में पढ़ा है अ से लेकर अह तक, तो उसे अभी मैं यहाँ लिखेंगे। अ से क्या होता है, अ से अनार, आ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे एक, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, अहमेश कुछ नहीं। तो ये हम लोगों ने अ से लेकर अह तक अपनी कॉपी में लिखा है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में इसे लिखिएगा। हम लोगों ने अ से लेकर अह तक लिख लिया है कॉपी में। अब हम बुक पे आते हैं। बुक में हम लोग रचनात्मक अभ्यास करेंगे। इसके पहले बुक में हम लोगों ने अ से लेकर अह तक पढ़ लिया था। हम रचनात्मक अभ्यास करेंगे। पहला है रिक्त स्थानों पर सही क्रमानुसार वर्ण स्वर लिखिए। हमें सही क्रमानुसार स्वर लिखना है। अ के बाद क्या आता है, आ, अ से अनार, तो उसके बाद क्या आएगा, आ से आम। फिर यहाँ पे क्या आएगा, आ से आम के बाद यहाँ पे क्या आता है, हमको सही क्रम के अनुसार लिखना, सही लाइन के, अ से अनार, आ से आम। फिर यहाँ पे क्या आएगा, छोटी इसे इमली, यहाँ पे क्या आएगा, छोटी इसे इमली। अब यहाँ पे छोटी सी इमली, ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया।
अब नीचे लाइन में आया, यहाँ भी देखिए छोटी लिखा है, तो छोटी से पहले क्या आता है, आ से आम, तो यहाँ पे क्या आएगा, आ से आम, छोटी इसे इमली, यहाँ पे क्या होगा, बड़ी इसे एक, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या लिखा है, ए से एड़ी, छोट ऐसे क्या होगा, ए के बाद क्या आता है, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली लिखा, ओ से ओखली के बाद क्या आता है, ओ से औरत। अब यहाँ देखिए ओ से ओखली यहाँ भी लिखा है, क्या है, फिर क्या आएगा, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अहमेस कुछ नहीं, तो हमें सही स्वर में लिखना था, अ से लेकर जो मैंने लिखा बुक में, इस तरह से आप अपने बुक में से कीजिएगा। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, चित्र देखकर सही मिलान कीजिए, चित्र देखकर मिलान करना है, जैसे देखिए अ से क्या होता है, अनार, तो यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद क्या है, आम, आम कहाँ है, यहाँ, इमली, बड़ा उसे ऊन, रीशे रीसी, बड़ी से इट, इस तरह से इसे हम मिलान करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर दो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, नंबर थ्री, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र के साथ उसके मिलान कीजिए। अब यहाँ क्या है, ये ऐनक, तो ऐनक ये है, अब ये किसकी पिक्चर है, औरत, तो इस तरह से इसे मैच करेंगे, मिलान करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, रचनात्मक अभ्यास भी हमारा बुक में कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।